दोस्तों, बरसात के मौसम में भुट्टे का स्वाद दोगुना हो जाते हैं। रिमझिम बारिश में भुट्टा ना खाया जाए ऐसा संभव ही नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग स्वाद के लिए भुट्टा खाते हैं। हल्की आंच पर पकाए गए भुट्टा बहुत स्वादिष्ट लगता है। लोग इसे नींबू और मसाला लगाकर खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भुट्टा खाना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, क्या आपने कभी भुट्टा खाने से होने वाले फायदे के बारे में सोचा है? आयुर्वेद में भुट्टा खाने के कई फायदे बताए गए हैं। ये प्यास को शांत करने वाला होता है। अच्छी बात तो ये है कि एक और जहाँ बहुत सी चीज़ें पकने के बाद अपना पोषक गुण खो देती है, वहीं भुट्टे का पोषण और भी बढ़ जाते हैं। भुट्टा कैरोटीनॉइड और विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भुट्टे के 10 फायदे के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी भुट्टे अवश्य खिलाने चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। दूसरी बात, जब आप भुट्टे खाए तो दानों को खाने के बाद जो भुट्टे के भाग बचता है उसे फेंके नहीं, बल्कि उसे बीज से तोड़ ले और उसे सूंघे। इससे जुकाम में बड़ा फायदा मिलता है। बाद में इसे जानवर को खिलाने के लिए डाल सकते हैं। तीसरा फायदे, आयुर्वेद के अनुसार भुट्टा तृप्तिदायक, बात कारक, कफ, पित्तनाशक, मधुर और रुचि उत्पादक अनाज है। इसकी खासियत यह है कि पकने के बाद इसकी पौष्टिकता और बढ़ जाती है। पके हुए भुट्टे में पाए जाने वाला कैरोटीनॉइड विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। चौथा फायदे, भुट्टे को पकाने के बाद उसके 50% एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। यह बढ़ती उम्र को रोकता है और कैंसर से लड़ने में मदद करता है। पके हुए भुट्टे में फॉलिक एसिड पाए जाते हैं, जो कि कैंसर जैसी बीमारी में लड़ने में बहुत मददगार होते हैं। नंबर 5, इसके अलावा भुट्टे में मिनरल्स और विटामिन्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भुट्टे को एक बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल फाइटर माना जाता है, जो दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 6, टीवी के मरीजों के लिए मक्का बहुत फायदेमंद है। टीवी के मरीजों को या जिन्हें टीवी होने की आशंका हो, हर रोज मक्के की रोटी खाना चाहिए। इससे टीवी के इलाज में फायदा होगा। नंबर 7, भुट्टे के पीले दानों में बहुत सारा मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और फास्फोरस पाए जाते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत होती है। एनीमिया को दूर करने के लिए भुट्टा खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन बी और फॉलिक एसिड होता है। नंबर 8, इसका सेवन प्रेगनेंसी में भी बहुत लाभदायक होता है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को इसे अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड पाए जाते हैं, जो गर्भवती के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 9, यदि गेहूं के आटे के स्थान पर मक्के के आटे का प्रयोग करें तो यह लीवर के लिए अधिक लाभकारी है। यह प्रचुर मात्रा में फाइबर से भरा हुआ है, इसीलिए इसे खाने से पेट अच्छा रहता है। इससे कब्ज, बवासीर और पेट के कैंसर होने की संभावना दूर होती है। नंबर 10, भुट्टा दिल की बीमारी को भी दूर करने में सहायक है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, कैरोटीनॉइड और बायोफ्लेवोनाइड पाए जाते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से बचाते हैं और शरीर में खून के प्रभाव को भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छे लगे है। अगर आपको यह जानकारी अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। तो दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।